हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस प्रकार पूर्व मंत्री रमेश मीणा द्वारा पूर्वी राजस्थान में विकास के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का मुद्दा उठाया है, उससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब पूर्वी राजस्थान में चर्चा है कि जिस पार्टी को पूर्वी राजस्थान ने सर्वाधिक विधेयक दिए हैं, अगर फिर भी उनके साथ विकास में भेदभाव हो रहा है और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तो उनका डाइवर्ट होना स्वाभाविक है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान ही है जहां से कांग्रेस के सर्वाधिक विधायक जीत कर आए हैं और इस क्षेत्र की विकास में की जा रही उपेक्षा मुद्दा बनता है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता है, क्योंकि इस बार पूर्वी राजस्थान में मिले वोट से ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और अगर यह क्षेत्र ही हाथ से निकल गया तो पार्टी को बड़ा नुकसान 2023 में उठाना पड़ सकता है। विधायक मीणा द्वारा एससी एसटी के भेदभाव व पूर्वी राजस्थान के साथ किया जा रहा सौतेला व्यवहार का मुद्दा उठाया है, वह कांग्रेस के लिए खतरे से कम नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।